लगभग एक घंटा हो गया। व्यवस्था जो है ना बहुत ही लचर पचर है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा ओए पानी गए कहला पानी मारे या पेट्रोल पर जत्ते पानी देते तत्ते आज धरता है। अगली सामान वाला फोन करो तब हते ओना नहीं समझती मकान से कहियो A few moments later. यार यहाँ पे ना काफी तेज आग लग चुका है इधर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे है नाशपाती चौक के पास, लेकिन क्या यार आग बुझ नहीं रहा है। इधर से भी आग लग चुका है। एंड पूरा का पूरा बेकाबू हो गया है। मोबाइल डीजल दुकान में सारा कुछ भरा पड़ा है और सारे के सारे में आग लग चुका है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे है। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइट भी कट गया है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। लाइट तो कटा हुआ है, इसीलिए अगल बगल में बहुत सारे पास मोटर रोक लेकिन चल नहीं पा रहा है। काफी ज्यादा आग लग चुका है भाई। यहाँ पे अग्निशामक वाला गाड़ी आ गया है एंड यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, काफी ज्यादा भीड़ है, काफी अधिक आग लग चुका है यार। आग अभी पूरा का पूरा लगा हुआ है। मतलब लगभग एक घंटा हो गया। पहले तो वही कटघरा में गए, के बाद में बालू पर तब तो फल के देह पर तर में है। अब इसको भेजा गया है डॉक्टर के पास दरभंगा। अरे ऐसे भी गर्म है, पूरा का पूरा गर्म है सब कुछ। बड़ा वाला गाड़ी आ गया यहाँ पे, छोटा वाला से काम नहीं चला।
रास्ता जो है ना बहुत ही लचर पचर है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा पानी लीक कर रहा है यहाँ पे अग्निशामक यंत्र से, इस वाले गाड़ी से। देखो जो गाड़ी जो पानी है जाता क्या करता आग बुताने के लिए नहीं है, यहाँ पे लीक हो रहा है, काफ़ी खतरनाक स्थिति है, भयावह स्थिति यहाँ पे अभी तक बना हुआ है। लगभग ढाई तीन घंटे हो गया, ढाई घंटे हो गया आग लगा हुआ। तो सो अभी 8:23 हुआ है, करीब ढाई तीन घंटे से आग लगा हुआ है, और लगभग समझिए कि 70% आग पे काबू पा लिया था जब मैं वहाँ पे था। अभी अभी तुरंत घर पे आए हैं, देख रहे मेरा हालत, मतलब कि क्या बताऊँ, वहाँ पे जो है ना देखने वाले मैक्सिमम लोग थे, काम करने वाले बहुत कम लोग थे, जो आग बुता रहे थे, कहीं से पानी ला रहे थे, कुछ ला रहे थे। वहाँ पे कुछ पुलिस के लोग थे, कुछ फायर ब्रिगेड के लोग थे, वो लोग तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, मतलब वहाँ जो लोग कम से कम 2000 के आसपास लोग थे, वो काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, पूरा भीड़ लगा के देख रहे थे। मैं कुछ काम किया भी हूँ और वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था कि लोग बाल्टी से पानी लेकर के वहाँ नहीं ले जा पा रहा था। और भाई जिसके दुकान में आग लगा था ना, उनका जो 90% बूढ़े वो मतलब जल चुका था, भगवान ही करेगा तो वो बच जाएगा, वरना मैक्सिमम चांस है कि वो नहीं बचने वाला है। उनका पूरा का पूरा बॉडी का जो खाल है ऊपर का पूरा कपड़ा जो खाल है बॉडी के ऊपर का पूरा कपड़ा उतर चुका था। भाई ये दिवाली समझो कि हमारे नाशपाटी चौक पे जो दुकान था उनका, ग्रामीण बैंक के नीचे में जो शॉप था ना, उस शॉप में लगा था, और काफी ज्यादा खतरनाक भयावह स्थिति बना हुआ है। अभी बड़ा वाला अग्निशामक यंत्र आया है, तब जाकर के जगह के लिए अब आग पे काबू पा लिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी है सेफ है, सुरक्षित है, और जो पर्व त्योहार होता है उसमें जो काफी अधिक सावधानी बरती है, नहीं तो ऐसा हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि भाई दिवाली के अंदर आपको पता ही है कि दीप जलाया जाता है, मोमबत्ती जलाई जाती है, सब जगह मतलब एक तरीके से आग को फैलाया जाता है, और हादसा हो सकता है। बहुत दुख हुआ देख के।